बिसमिल्लर असलकुम दोस्तों में हूँ मिस इस ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फ़ो जस्ट इन्फ़ो अल्लाह ताली के ख़ूबसूरत नामों का सिलसिला जारी है जिनके वज़ाइफ़ हम आपको बताते रहते हैं आज हम अल्लाह ताली के एक और नाम का जिक्र करेंगे जिस जो है अतीीफ़ों और ये अल्लाह ताली का इकतीसवा नाम है इसके आदाद एक सौ उनतीस हैं लतीीफ़ों का मतलब है नरमी करने वाला और अल्लाह ताला बेशक हम सब पर बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है नरमी करने वाला है वो तमाम वालदान जो कि बच्चियों की शादियों के लिए परेशान हैं या वो लड़कियाँ जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे तो उन्हें चाहिए कि या तो वालदान ये वजीफ़ा कर सकते हैं या वो बच्चियाँ ख़ुद कर लें हर ईशा की नमाज़ के बाद अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दुरुशिफ़ पढ़ें और या लतीफ़ो या हलीमो एक सौ ग्यारह बार पढ़ कर दुआ करें तो 21 दिन के इस अमल के बाद इनशाला कोई ना कोई खुशखबरी मिल जाएगी अगर 21 दिनों के दरमियान कोई खुशखबरी ना मिले या रिश्ता ना आए तो तीन दिन के गैप से फिर दोबारा ये वजीफा आप शुरू कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दिली मुराद पूरी हो तो 21 दिन का अमल है कि बाद नमाज इशा आपने तीन तीन मरतबा अखिर दरूशफ़ के साथ सौ बार या लतीफ़ो पढ़ना है तो अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ मकासद तमाम जायज़ दिली मुरादें पूरी फरमा देंगे इन और अगर आप इस इसम को बाकसरत पढ़ना अपना वर्द बना लें या लतीफ़ों या अल अलतीफ़ों का तो आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी आपकी मुश्किल दूर होंगी और आपके मिजाज में लताफत व नफासत पैदा हो जाएगी अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत हो और आप अपनी रोज़ी हलाल तरीके से कमाएँ और बा बरकत तरीक़े से कमाएँ तो रोज़ाना एक सौ तैंतीस मरतबा या लतीफों पढ़ लिया करें अवल आखिर सात मरतबा दरुशेफ के साथ इन श्ला आपके रिस्क में बरक़त और इजाफा रहेगा और अगर फ़िक्रो फाक़ा है कम आमदनी है मुलाजमत या रोज़गार से महरूमी है दुख और मुसीबत है रंजो गम है तकलीफ़ व परेशानियाँ हैं कस्मोपुरसी का आलम है और किसी भी किस्म की परेशानियाँ हैं तो दो रकत नफ़ल पढ़कर दिल में अपना मकसद रखें यानी कि रोज़गार चाहिए या सुकून चाहिए या परेशानियों से निजात चाहिए आपका जो भी मकसद है वो दो रकत नफल पढ़कर दिल में ये मकसद रखें और सौ बार यह लतीीफ़ों पढ़ के अल्लाह दुआ करें ग्यारह दिन के इस अमल से इन शाह तप की मुश्किल परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और रोज़गार नहीं है तो रोज़गार भी मिल जाएगा और फ़िक्र फ़ाका भी दूर हो जाएगा वो तमाम भाई बहनें जो जो कि अच्छे रिश्ते के तलबगार हैं तो तहियातलव़ु यानी दो रकत नमाज वज़ू के बाद पढ़ें और उसके बाद अल आखिर तीन तीन मरतबा दरूशफ़ के साथ एक सौ एक बार या लतीफ़ों पढ़ें नवे दिन का यह अमल मुसलसल कर लें तो इन शाला बेहतरीन रिश्ता भी मिल जाएगा और शादी के बाद भी ज़िंदगी अच्छी और खुशगवार गुजरेगी वो तमाम लोग जो कि ला इलाज बीमारी में मुबतला हैं तो उनके घर वालों को चाहिए कि ग्यारह दिन तक रोज़ाना ग्यारह हज़ार बार ग्यारह हज़ार बार या लतीफ़ों अल आखिर ग्यारह ग्यारह मरतबा दरूशफ़ के साथ पढ़ें पानी पे दम करें और मरीज को पिला दें अगर वो मरीज़ कैंसर का हो टी बी का हो किसी भी किस्म का ला इलाज मर्ज हो वो फ़ौर ठीक हो जाएगा और अगर ठीक बिल्कुल ठीक ना हुआ तो कम अज कम उसमें इतनी बेहतरी आ जाएगी कि वो मज़ूरी और मोताजी से बच जाएगा और वो लोग जो कि आम अमराज में मुबिला हैं जैसे कि रूटीन में हार्ट प्रॉब्लम रह रही है या शुगर का मसला है या कोई बीमारी बार बार बुखार वगैरह आ जाता है तो ऐसे पेशेंट्स को 300 सौ मरतबा रोज़ाना या लतीफ़ों पढ़ के पानी पे दम करके पिला दिया जाए या वो मरीज़ खुद पढ़ ले 21 दिन के इस अमल से बार बार की बीमारियाँ और तकलीफ़ दूर हो जाएंगी और मुकम्मल सेहतियाबी मिल जाएगी इनशाला अगर मुश्किल बहुत ज़्यादा हैं और हाजतें पूरी नहीं होती तो जल्द अज़ जल्द अपनी हाजतें पूरी करने के लिए रोज़ाना एक सौ उनतीस बार पढ़ें या लतीफ़ो अव्वल आखिर ग्यारह मरतबा दरूशिफ़ के साथ तो आप एक सौ उनतीस दिन इस अमल को कर लें यानी एक सौ उनतीस दिन आपने एक सौ उनतीस बार ही या लतीफ़ो पढ़ना है रोज़ाना एक सौ उनतीस बार आपकी तमाम मुश्किल दूर होंगी आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी और आपको दिली सकून मैसर आएगा और जो लोग चाहते हैं कि उनके रिस्क में बरकत हो या उन्होंने कोई कारोबार शुरू किया है उसमें बहुत ज़्यादा बरकत और इजाफा हो जाए तो तीन सौ इकतीस बार या लतीफ़ों पढ़ लें अव्वल आखिर तीन तीन मरतबा दरुशिफ के साथ और अगर आप चाहते हैं कि आपको असबाब मीशत नसीब हो जाए अल्लाह की मदद और नुरत मिल जाए उसकी मोहब्बत मिल जाए तो आपने करना है कि तीन सौ तेरह बार अव्वल आखिर तेरह मरतबा दरूशिफ के साथ तेरह दिन तक ये आप या लतीफ़ों पढ़ें तो इन आपको ऐसे गैब से इस बाब आएंगे कि आपको समझ भी नहीं आएगा और आपका काम बन जाएगा या वो लोग जो कि कन्फ्यूज़ हैं कि हमें कौन सा कारोबार करना चाहिए कौन सी नौकरी करनी चाहिए ऐसे तमाम भाइयों बहनों के लिए ये इसम बहुत ही बाबर का साबित होगा और अगर आप अल्लाह की मोहब्बत मदद व नुसरत और, और कामयाबी चाहते हैं कि आपके आपको फ़ौर अल्लाह ताली मददगार साबित हो जाए तो एक सौ उनतीस इसम को एक सौ उनतीस दिन पढ़ें अखिर ग्यारह मरतबाद रूशीफ़ के साथ तो अल्लाह ताला आपको अपनी मोहब्बत के साथ साथ हर काम में मदद फरमाएंगे और फौरन आपकी दुआएं कबूल फरमाएंगे इन ताला उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार और साबित होगी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसे सदका जारिया समझ कर शेयर करना ना भूलिएगा अल्लाह